हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज 10th क्लास का मैं त्रिकोणमिति पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले 3 कोट ए बराबर 4 लिखेंगे। कोट ए बराबर 4 बटे 3 फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब है 3 का स्क्वायर, आधार 4 है 4 का स्क्वायर। कर्ण बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कर्ण स्क्वायर बराबर 16 न 25, 25 का वर्गमूल 5। तो ये कर्ण निकल गया 5। लंब पता, आधार पता, लंब पता और कर्ण पता। अब क्वेश्चन में जो मांगा है वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वन माइनस टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब है 3 और आधार है 4, इस पे स्क्वायर है 1। प्लस से प्लस देंगे फिर 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार, इस पे भी स्क्वायर होगा। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 4, कर्ण निकला है 5। लंब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। नहीं कुछ तो नीचे 1, नहीं कुछ तो 1। 1 और 16 का लघुत्तम 16। ये 16 माइनस 9 बटे 16, 16 प्लस 9। 25 और 25 का एलसीएम 25, 16 माइनस 9। ये जो है इसको काटते हैं, जगह थोड़ा कम है। 16 में 9 गया 7 बटे 25, 16 न 25। ये जो है 16 में 9 घटाएंगे 7 बटे 25, दोनों ओर बराबर है, ये सत्य है, सत्य है। अगर इस जगह किसी को दिक्कत है इसमें हम लोग लिख सकते हैं रफ के रूप में, इस जगह 16 माइनस 9 बटे 16, 16 प्लस 9 बटे 16। अब ये 16 में 9 घटाएंगे 7 बटे 16, 16 न 25 बटे 16। अब क्या करते हैं 7 बटे 16, ये 16 ऊपर जाएगा 25 नीचे, 16 16 कैंसिल 7 बटे 25। यही चीज हम डायरेक्ट लिखे हैं 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है,
जिसका बी समकोण है। यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये चीज जो दिया है टेन ए बराबर 1/√3, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है ये क्या है आधार है। तो कर्ण पता करेंगे और मान निकाल लेंगे। सबसे पहले दिया है, गिवन डेट लिख सकते हैं या दिया है टेन ए बराबर 1/√3 लंब बटे आधार। कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब है 1 का स्क्वायर, आधार है √3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर √1 का स्क्वायर 1 √3 का 3। कर्ण बराबर √4 का वर्गमूल 2। ये निकल गया 2। अब निकालेंगे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए के लिए लंब का काम √3 करेगा, कर्ण सेम रहेगा। कोस सी के लिए लंब ये आधार, ये आधार बटे कर्ण। कोस ए के लिए लंब ये आधार ये। साइन सी के लिए लंब ये 1 और कर्ण 2 √3 × √3 पक्का 3, 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 8, 2 × 2 = 4, 4 और 4 का LCM 4, बेस समान है 3 + 1, 4/4 = 1, पहला आंसर 1। उसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए के लिए ये लंब का काम करेगा आधार ये हुआ 1/2 आधार बटे कर्ण। कॉस सी के लिए लंब का काम ये करेगा आधार √3/2। साइन ए के लिए लंब का काम ये करेगा कर्ण 2। साइन सी के लिए लंब 1 आधार 2 √3/4 √3/4 4 का LCM 4, ऐसे भी यहां कटा सकते थे प्लस माइनस, ये √3 - √3 0/4। 0 में कोई भी चीज से भाग देते हैं 0। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप लोग इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन है 10 नंबर। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसमें जो जो मान दिया है लिख लेते हैं। तो त्रिभुज बनाए PQR और Q के बारे में बोला है ये समकोण है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद PQ दिया है 5 सेंटीमीटर लंब। उसके बाद PR ये वाला भुजा है, PR QR दोनों मिलाकर के दिया है
25 सेंटीमीटर और इसको हम लोग x मान लेते हैं। जब इसको x मानेंगे ये भुजा 25 माइनस x होगा, 25 माइनस x होगा। जैसे कि मान लीजिए राम और श्याम को मिलाकर 25 रुपया है और इसके पास राम के पास पता चला 10 रुपया है, तो श्याम के पास क्या करेंगे, 25 s बराबर 25 माइनस 10 ये कितना आया 15। उसी प्रकार से जब एक डिस्टेंस पता चला कि q r x माने ये 25 माइनस x होगा। इसको केवल समझाने के लिए लिखे थे। अब हम लोग यहां लिखेंगे सॉल्व। दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, Q बराबर समकोण, QR X माना, PR 25 माइनस X। तो सूत्र पर है पाइथागोरस का परिमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर लंब है 5 का स्क्वायर, आधार है x का स्क्वायर। ये सूत्र पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 2ab, ये a होता है ये b होता है, ठीक है। ये 25 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 x स्क्वायर प्लस 25 दुना 50 x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये 50 x बराबर 25, ये प्लस है, सॉरी यह माइनस में सूत्र होता है, माइनस 50 है, माइनस 25 माइनस 625 माइनस 50 एक्स बराबर माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल, 50 एक्स बराबर 600, एक्स बराबर 600 बटे 50, 0 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 12 पंचे 60, एक्स बराबर 12। एक्स क्या चीज को माने थे, आधार को माने थे, एक्स आया 12, तो अब क्या निकालेंगे, तो कर्ण भी निकाल लेंगे क्योंकि टोटल भुजा था 25 और 25 माइनस एक्स है, 25 में 12 अगर माइनस करेंगे 13 आएगा और सभी भुजा पता हो गया। जब पता हो गया अब साइन पी कोस पी टेन पी चाहे जो भी निकालना हो अब आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चीज देखो QR अर्थात आधार ये आया 12 सेंटीमीटर, कर्ण अर्थात PR 25 माइनस x माने थे, 25 x का मान 12 आया ये 13, कर्ण भी पता हो गया। अब एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं ताकि मान लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये पी क्यू आर ये 13 आया है, ये 12 आया है और ये 5 है। अब जो जो बोला है उसको लिखेंगे, साइन पी लंब बटे कर्ण, साइन पी के लिए लंब का काम 12 करेगा और कर्ण 13 होगा। उसके बाद कोस पी, कोस पी का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार का काम 12, आधार कोस पी के लिए, कोस पी के लिए ये लंब होगा आधार,
5/13 होगा। उसके बाद 10p लंब बटे आधार, 10p के लिए लंब 12 होगा और आधार 5 होगा, 10p। चलिए हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत है इसको पीछे करके फिर से वीडियो को देख लीजिए। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसी में हम बना देते हैं। करा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और वीडियो भी लंबा हो रहा है इसीलिए 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, औसत। एक नंबर में होगा औसत। क्योंकि जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे इसका मान बताएंगे तो 10 ए का मान 1 से अधिक होता है। दूसरा नंबर है कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, यह सत्य है। तीसरा नंबर कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं वो सत्य है। चौथा है कोट ए और कोट ए का गुणनफल होता है, नहीं वो सत्य है। पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 होता है, ये भी हो सकता है। ये त्रिकोणमिति का 8.1 समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।